अब अपन देखते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे कैसे क्या तो ये सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और मैं क्या करूँ इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देता हूँ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस तो वो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वीकली पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है वीकली अब क्यों वो अपन समझेंगे ठीक है तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अब सवाल ये उठता है ये होता क्यों है देखो इट इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम एग्जाम्पल सपोज मैंने सी यू टू प्लस लिया एफ ई प्लस थ्री लिया सी आर प्लस थ्री लिया ओ टू इन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कैसे देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखू सी यू टू प्लस का तो इस तरीके से आता है उसके अंदर एक फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है और वो मैग्नेटिक मोमेंट इस पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली मैग्नेटाइज कर सकती है कैसे वो अपन देखेंगे बट इसकी वजह से पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन हो सकता है ठीक है और इसीलिए देखो इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड वीकली एंड मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली फिर इट गेट्स मैग्नेटाइज बाई मैगनेट इन सेम डायरेक्शन देखेंगे कैसे बट लूजेज इट्स मैग्नेटाइजेशन ऑन रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर अपन मैग्नेट रखेंगे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया मतलब मैगनेट रखा ठीक है तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा बट जैसे ही मैं ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा मतलब इसका मैग्नेटिज्म तभी होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो वरना नहीं होता है। क्यों अपन समझते हैं तो ये मैंने एक पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाया है ठीक है इसके अंदर ब्लू जो डॉट्स हैं वो अपने इंडिविजुअल एटम हैं और ये उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका मैग्नेटिक मोमेंट बनाया है मैंने यहां पर अब देखो

ओवरऑल क्या होता है कैंसल आउट तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता बट अगर मान लो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो होगा क्या देखो ये अपना सब्सटेंस था और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई देखो तो अट्रैक्ट करेगी क्यों करेगी ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे देखो दिख रहा है दिख रहा है अलाइनमेंट एकदम एग्जैक्टली exactly नहीं होते बट उस डायरेक्शन में अलाइन होते तो अब हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का और इस वजह से ये अपना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा अब मैग्नेटाइज तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये जो अपना डाइपोल थे पहले रैंडम थे कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं था हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे कि नहीं तो उस डायरेक्शन में अलाइन हो गए और जब ये अलाइन हुए तो अब हमारे पास नेट एक बड़ा डाइपोल बन जाएगा मतलब ये हमारा सॉलिड पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस अब क्या हो गया है मैग्नेटाइज सो रिजल्ट इन नेट अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड देयर फोर सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज इसलिए ये मैग्नेटाइजेशन हो गया अब अगर मान लो मैं हटा दूं ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दिया तो ये जो अलाइनमेंट था किसकी वजह से था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर मैं वो मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं तो वापस ये सारे क्या हो जाएंगे रैंडम एंड दिस पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस विल लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन सो ये अपना वापस रैंडम ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और देयरफॉर फोर नो रिटेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कैसे हो रही है

फिर अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा तो वापस से मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएंगे रैंडम और मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा दैट इज इट कैन नॉट रिटेन इट्स मैग्नेटाइजेशन तो ये था पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस अब देखते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस